मदुराई, पूरा सही टाइम पे ट्रेन आके पहुंचा है, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। अभी हम लोग स्टेशन से निकल के जा रहे हैं रामाराथन प्रेसिडेंसी, उधर हम लोगों का एक 3 रूम बुक करके रखा है। गूगल मैप पे दिखा है कि इधर से उधर पहुंचने में 20 मिनट जैसे लगेगा, तो बाकी बात देखते हैं। बीजू मुझे बहुत ही गाइड कर रहा है। होटल पे ऑलरेडी दर्शु पहुंच गई है और हम लोग भी अभी पहुंचने वाले हैं। निवेद और शुष्क को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बाकी का जो सीन है होटल पे जाके देखते हैं। निकाल देंगे होटल में आने से पहले। Dude, this two room, this two, obviously this two. What the hell are you sleeping nicely? Hello, hi. Where did you guys come? Oh, shut up! I was sleeping. A few moments later. अभी मैं जो होटल पे रह रहा हूँ वो है राम रत्ना रेसिडेंसी। पिछले 2 बार मैंने जो नाम लिया था वो बहुत ही गलत नाम लिया, तो एक्चुअल नाम है राम रत्ना रेसिडेंसी। बहुत ही खूबसूरत है ये प्रॉपर्टी और जो ये जो रूम है बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और टॉयलेट भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो मैं रूम पे आके पहले वही चेक करता हूँ टॉयलेट, मुझे रूम से कोई मतलब नहीं है। और ये रूम सुगु ने बुक करके दिया है इसलिए मुझे प्राइस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन जैसा भी है बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है। सब लोग अपने अपने रूम चले गए फ्रेश होने के लिए। स्टेशन से इधर पहुंचने में हार्डली 10 मिनट जैसा लगा टैक्सी में, और जो प्राइस पड़ा वो पड़ा 166 रुपी। जब हम लोग ऑटो भी बुक करने वाले थे लेकिन ऑटो वाला एक, हम लोगों को 2 ऑटो चाहिए था, तो एक एक ऑटो बोल रहे थे कि 200 करके, मतलब 400, वो बहुत ही ज़्यादा था। और हम लोग टैक्सी पे आ गए ओनली 266 पे, तो बहुत ही नज़दीक है स्टेशन से, इतना कुछ दूर नहीं है। इधर पहुंचने के बाद हम लोग दर्शु से मिले, दर्शु से मिलने के बाद बहुत सारा बातचीत किए, और कल हम लोगों को एक जगह पर जाना भी है, वो मैं कल बताऊँगा, अभी नहीं। उधर जाने के लिए हम लोगों को एक गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी का प्राइस क्या है, वो मतलब प्राइस कितना पड़ेगा, क्या रेंट चल रहा है, क्या फेयर है, वो सब पता लगाने के लिए हम लोग बहुत सारा ट्रैवल एजेंसी के साथ अभी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब करते करते टाइम, बहुत सारा टाइम चला गया। हम लोग इधर आके पहुँचे थे सुबह का 8 बजे, अभी बज रहा है सुबह का 9:30 जैसा। और कुछ नहीं, अभी मैं भी फ्रेश होने जाऊँगा, फ्रेश होने के बाद अब निकलेंगे मदुराई एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन मदुराई, पता नहीं कितना हो पाएगा। तो इधर का लोकल स्ट्रीट फूड भी मुझे ट्राई करना है, लेकिन हमारे प्लान पे थोड़ा सा चेंज आ गया। सुगु का घर से हम लोगों को इनविटेशन आया कि लंच पे हम लोगों को सुगु के घर पे जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हम लोग मदुराई एक्सप्लोर कर रहे और बीच में से सुगु के घर चले गए, तो उधर ही मदुराई का एक्सप्लोरेशन ख़त्म, मतलब ख़त्म नहीं, उधर ही एंड हो जाएगा, फिर हम लोगों के पास और टाइम नहीं रहेगा। और बाकी का दिन जैसे जैसे चलते रहता है, जिस हिसाब से इम्प्रूवाइज होगा मैं उस हिसाब से आप लोगों को वो शेयर करता रहूँगा। तो अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फ्रेश होने के बाद मिलते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुमार मेस। मैंने सोचा था हम लोग 10 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी 11 बज चुका है और हमारे साथ और एक गेस्ट आ गया है। ये रहा निवेद, ये दर्शु का पति है जो आप पहले, मतलब मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। उस शादी पे उतना सारा फुटेज नहीं है उसका, तो अभी अच्छे से देख लो। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुमार मेस, ये सुना है कि बेस्ट नॉन वेज क्या कहते हैं होटल इन मदुराई, तो वही हम लोग अभी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और गर्मी इतना ज़्यादा है इधर, हाय गर्मी, ये सब मत करो कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत ही धूप है, इधर से हमारा जो होटल है, होटल से 1.6 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है,
और इसलिए देखो ये लोगों ने अम्ब्रेला ले लिया, हम लोग थोड़ा सा टाइट बजट पे है इसलिए पैदल चलेंगे उधर, कोई ऑटो भी नहीं ले रहे, इतना टाइट बजट चल रहा है हम लोगों का। क्यों दिखाया? अरे साइड में बैठने बोल रहा है। आप देख सकते हो कि हम लोग कितना टाइट बजट पे है। एक ऑटो में 7 लोग। पहले ऑटो वाले कहा कि 30 रुपी पर पर्सन करके, मतलब 210। फिर बीजू ने बोला ये बहुत ज्यादा है, फिर ऑटो वाले बोला ठीक है 120। बीजू ने फिर से बोला नहीं इतना भी नहीं 100। हम लोग अभी 100 से जा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन खाना ताजा होना चाहिए। और अभी हम लोग आए हैं कुमार मेस। पहले हम लोग जहाँ पर गए थे उधर जाने के बाद पता चला कि वो रिनोवेशन चल रहा है इसलिए वो बंद है। फिर उधर से हम लोग इधर आए, ऑटो वाला का मतलब ऑटो वाला को शायद पता है लेकिन उसने कुछ बोला नहीं इधर आने के लिए। फिर से हम लोगों को 130 रुपी देना पड़ा, तो टोटल हम लोगों का गया 230 रुपी। तो अभी हम लोग इधर खाना खाने के लिए आए, नॉट खाना मतलब नॉट ब्रेकफास्ट, ये लंच होगा हम लोगों का। तो हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है 2 मटन बिरयानी, 2 चिकन बिरयानी, 1 कोला मटन और 1 क्या लाठी चिकन। तो हाँ एंड देयर इज द बॉल्स। Like it? Nice. It's really yum. बहुत ही सॉफ्ट है। अभी यहाँ पे ग्रीन चटनी मिलती है, मिंट चटनी। कैसा लग रहा है ब्रो? तुम्हारे लिए तो नया नहीं है। No. पहले भी खा चुके हो? Not this one. Yeah, but very good. बहुत ही सॉफ्ट है। सब कुछ हो गया। लास्ट में हम लोगों ने और एक डिश ऑर्डर किया था, नाम है मटन डोसा, जो इधर का बहुत ही फेमस है, लेकिन इट फील्स लाइक वी आर हैविंग मटन पिज़्ज़ा। बहुत ही अच्छा था खाना, बहुत ही डिलीशियस था ये, मतलब ऐसे ही फेमस नहीं है तो ऐसा लगता है कि खाने से ही फेमस है। तो इधर आके एक ऑथेंटिक डिश हम लोगों ने ट्राई किया, मदुरई का कुछ स्पेशल ट्राई किया, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग इधर से निकल के सीधा सुगु के घर जाएंगे, उधर हम लोगों का लंच इनविटेशन है, तो उधर जाके क्या होता है हम लोगों को पता नहीं, बाद में देखते हैं। अभी इधर से निकलना पड़ेगा, तो विल सी यू ऑन द वे टू द सुगु होम। अभी मैं आया हूँ सुगु के घर पे लंच के लिए जैसे हम लोगों ने बोला, और शूश भी इधर आ गई। अभी मैं हूँ सुगु के साथ। तो सुगु, हाउ आर यू? आई मीन हाउ आर यू फीलिंग? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेंड्स ऑल केम हियर फॉर माय वेडिंग। ओके, सो लाइक आई हैव ऑल द सपोर्ट ओवर हियर। ओह या एग्जैक्टली, व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। ओके ओके, आफ्टर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1 ईयर वी आर मीटिंग।
he's being so formal right now. No, not formal. Even our guys also from our class, they told like, you know, in one marriage, most of the guys coming from one class in my wedding. They are seven, here will be seven, almost 15 to 20 guys. So they also want to take a snap, reunion snap in stage. No, what I mean is the way he's saying right now, he's not actually like that. I'm the innocent. He's total. शूश आ गई है, ये हमारा ग्रुप का सबसे बड़ा कॉमेडियन है, ये रहती है तो हम सबको हमेशा हंसती रहती है, तो ये रहा शूश। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप यू रिमेम्बर मी। हम लोग अभी मदुरई में हैं, आई डोंट नो इन व्हिच पार्ट ऑफ मदुरई है, इसलिए बोल रहा हूं, डायलॉग में रिपीट कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, इतना अतरंगी इसके अंदर ही है और कुछ नहीं। मैं एक चीज, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था इधर आने से पहले, मैं वो बोलता हूँ, जब हम लोग होटल वगैरह बुकिंग कर रहे थे, इसको कुछ पता भी नहीं था, फिर मैंने उसको डायरेक्ट कॉल किया, बोला कि 2000 रुपी भेज, और इसने डायरेक्ट भेज दिया। तब मुझे ऐसा लगा मुझे ज्यादा मांगना चाहिए था, इसको कोई ठिकाना ही नहीं है क्या जा रहा है क्या कर रहा है। अभी हम लोगों का पूरा ग्रुप आ गया है, अभी हम लोग सब लोग मिलकर प्लानिंग वगैरह करेंगे। 3 hours later एंड फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं रिसेप्शन के लिए। ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं। मैं और निवेद जम से सो रहा था 2 घंटे से, मतलब हम लोग जब सुगु के घर गए थे उधर से आने के बाद, फिर भी धूप पे बाहर निकलने के मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग रूम पे आके सो गए। उस टाइम लड़कियों लोग अपना मतलब जो तैयार होने में टाइम लगा दिया, और बेसिकली हम लोग बस 10 मिनट पे तैयार हो गए, लेकिन अभी गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं, फिर उधर जाएंगे। ऑलरेडी लड़की लोग निकल गए, फिर गाड़ी आएगा, फिर हम लोग जाएंगे। ये देखो हम लोग इधर आए, लड़के लोगों को देख के लग रहे सीधा ऑफिस से आ गए, और ये रहा लड़की लोग। वाओ ब्यूटीफुल, मतलब ये अगर रिसेप्शन पे ऐसे लग रही है तो मैं शादी पे कैसे लगेगी। Oh, okay. We are not sure about it. Yeah, we are not sure about it because it's morning. बाल दिखा दो, मेरे बाल आगे आ जाए। थोड़ा 2-3 कीजिए कि मत कीजिए। बहुत कीजिए, बहुत। क्या हुआ भाई लोग, तुम लोग अकेला क्यों खड़े हो? क्या करे यार, अपन दिनों अकेले ही है, अभी अपना फोटो निकालने के लिए कोई नहीं है, तो अब तू ही निकाल ले हमारा फोटो। सबसे मिल लिए
ये रियूनियन होगा मुझे पता था, तो सबसे वेट कर रहे थे। फोन मनी सॉरी ब्रो, फोन मनी। हर्बल सूप और इस इधर 115 इंग्रेडिएंट्स है, तो टेस्ट रियली गुड। लेकिन मुझे हनी जैसा टेस्ट आ रहा है। वही तो बोला उन्होंने, इट्स लाइक हनी। अभी हम लोग सब ऐसे ही बैठे हैं, रूम जाने के लिए तैयार हो रहे, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, इतना मैसिव था, इतना बड़ा था, मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा सा, अच्छे से डेकोरेशन किया, बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं, बहुत म्यूजिक चल रहा है, और खाना पीना के बारे में मैं क्या बोलूँ, इतना सारा आइटम, मैं क्या कौन सा खाऊँ और कौन सा ना खाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत ही ह्यूज था, और ये पहली बार मैं कोई ऐसा वाला तमिल मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारा नया चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पूछते हैं बाकी लोगों को कैसा लगा एक एक करके। एनीवन वांट टू से एनीथिंग फाइनल वर्डिक्ट? इट वाज वेरी गुड, अच्छा था। सो हैप्पी टुडे, गॉट सो मेनी गुड न्यूज़ेस दैट आई एम सो हैप्पी। Cool. That's it, one word. Yeah. Warm people. Food is amazing. और culture तो यहाँ का बहुत सही है, जो नगाड़े वाले थे, they are awesome. नगाड़ा वाले. And आपका तो एक reunion हो गया VIDians का. Fast. तो सब कुछ मिला के बहुत ही अच्छा गया, और कल के दिन अभी wait कर रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे मीनाक्षी टेम्पल पे शादी है, तो हम लोगों को बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, फिर तैयार वगैरह होके उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा। उसके लिए वही तो बोल रहा हूँ, उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा। तो फिर तैयार वगैरह होके हम लोगों को मीनाक्षी टेम्पल पहुँचना पड़ेगा बिफोर 7। अभी हम लोग सब रूम पे जाके रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर कल सुबह मिलते हैं। व्हाट, टेकिंग पिक्चर विदाउट मी? हाउ डेयर यू? इट्स ओनली वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय सेकेंड डे ऑफ मदुरई ट्रिप। अभी हम लोग सब निकल गए हैं शादी अटेंड करने के लिए। सुबह का 7 बज रहे हैं और सब लोग रेडी है, कैब के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। इधर से दिखा रहा था कि 30 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन एक चीज़ है कि मीनाक्षी टेम्पल के अंदर कोई कैमरा मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं। अगर कुछ अलाउ है तो फिर वीडियो फुटेज मिलेगा, अदरवाइज मैं जैसे डिस्क्राइब करूँगा वैसा ही होगा, और कुछ कर नहीं सकते। We'll be right back.
After 2 hours of long walking, we finally came out of the temple. सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इधर तुम कोई भी कैमरा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, रिस्ट बैंड कुछ भी लेकर अंदर नहीं जा सकते. इधर तुमको पहले सबमिट करना पड़ेगा वो सब, फिर जाके तुम एंट्री ले सकते हो. इधर ये सब जमा करने के लिए 5 रुपये करके लगते हैं हर आइटम. फिर अंदर जाओगे बहुत बहुत स्पेशियस है, बहुत बड़ा है. लेकिन हम लोग ने इतना घूमा, इतना चल रहे थे कि क्या बताऊँ. मतलब मुझे फिर भी लग रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ मिस करके बाहर आ गए. तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, जितना ना खूबसूरत बाहर से दिख रहा है अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. फुल ऑफ स्कल्पचर एंड सो मेनी छोटा छोटा क्या कहते हैं एंड सो मेनी श्राइन्स आर देयर. सो इट्स टोटली ब्यूटीफुल. और सबसे पहले बात, हम लोग पहले गए थे शादी पे, फिर हम लोगों ने वो शादी देखा. बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट कॉमन है हम लोग के, जैसे कि पहले हम लोगों ने उधर चावल थ्रो किया, फिर हम लोगों ने देखा कि उधर क्या कहते हैं जो माला बदल होता है वो हुआ. फिर थोड़ा सा एक क्या बहुत मतलब आग के ऊपर सर्कल लेना, जो भी है मुझे पता नहीं, वो सब देखा. फिर जगह हम लोगों ने मंदिर विजिट किया. तो इट्स टोटली गुड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ. इससे अच्छा होगा आप लोग खुद आओ, खुद आके देखो, देन यू विल रियलाइज कि ये कितना अच्छा है. बहुत ही शांति मिलेगा. सो इतना ही बोलना था. अभी इधर ही मैं मदुरई का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ. अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर आज हमारा प्लान है मुन्नत जाने का. तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखेंगे कि हम लोग मुन्नत कैसे जा रहे हैं, कितने दिन के लिए रह रहे हैं, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. अभी और कुछ नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना. और हम क्या कर रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू कुमार मेस. मटन कोला भगवान के सामने खड़े होके मटन कोला कर रहा है यार. हो गया प्रसाद हाथ में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.